आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम नगर संग्राम में। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई हैं और इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रयागराज के हांडिया नगर पंचायत से भाजपा के चेयरमैन पद के प्रबल दावेदार जवाहर लाल जायसवाल जी। बता दें कि निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है, जिसको लेकर सभी पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। वहीं इस बीच बता दें कि सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। वहीं हमारे साथ कुछ ही देर में हांडिया नगर पंचायत के भाजपा के चेयरमैन पद के प्रबल दावेदार जवाहरलाल जायसवाल जुड़ेंगे। बता दें कि निकाय चुनाव होने में महज कुछ ही वक्त रह गया है और इसको देखते हुए सभी प्रत्याशी तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो हम स्वागत करते हैं जवाहरलाल जायसवाल जी का प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम में। जवाहरलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में। तो मेरा पहला सवाल आपसे है कि आप चेयरमैन पद की दावेदारी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, माननीय योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, हमारे देश की भारतीय जनता माँ है। मैं भारतीय जनता पार्टी की अपनी माँ समझता हूँ। मैं दोबारा चेयरमैन के दोबारा दावेदार हूँ। हमें अपना विश्वास माता जी ने स्वीकार किया, अपना प्रत्याशी स्वीकार किया। हमने जो और जो कार्य किया भारतीय जनता पार्टी संगठन के कार्यों के आदर से मैंने काम किया, जनता का सेवा किया। जवाहरलाल जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं और ये भी बताएं कि आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई। बता दें निकाय चुनाव की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं, कुछ ही वक्त रह गया है। बता दें 4 मई को निकाय चुनाव के पहले चरण का चुनाव होगा। वहीं सभी पार्टियां इसको लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। और एक बार फिर से हमारे साथ हंडिया नगर पंचायत से जुड़ चुके हैं जवाहरलाल जायसवाल जी। तो मेरा आपसे पहला सवाल यही है, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं और ये भी बताएं कि आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई। अच्छा है कि हमने अपनी पढ़ाई को बंद किया तो मैंने शुरू में राजनीति प्रधानी ग्राम सभा में प्रधानी से लेकर के आज हमने नगर पंचायत हांडिया टाउन एरिया की चेयरमैन के दावेदार हैं। और हमने उस समय सन करीब 83-84 में मैंने जब प्रधानी कर रहे थे तो उस समय की भी हमारी जीवन राजनीति की है। और इस समय हमारी सेवा करने का हमने संकल्प लिया और सेवा करने के लिए हमने अपने जीवन में अपनी जिंदगी को जनता के साथ निर्भर किया। प्रथम बार हमारे यहाँ के पूर्व विधायक महेश सिंह विधायक थे, उनके मैं प्रतिनिधि थे। माननीय राकेश त्रिपाठी यहाँ के उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री थे, उन इलेक्शन लड़ा, हमको जनता ने नहीं जहराया, लेकिन राजनीतिक स्तर की राजनीति को हमको 141 से दोबारा हरा दिया। हमने बीजेपी से जब लड़े, बीजेपी में ज्वाइन किया अपना, तो हमने राजनीति शुरू किया भारतीय जनता पार्टी में। तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने हमको कहा कि आपको चेयरमैन का हमने दावेदार यहाँ के प्रत्याशी बनाएंगे और यहाँ के प्रत्याशी हमको बनाए। प्रथम बार हमने करीब 800+ वोटों से हमने भी अपने जनता के आशीर्वाद से विजय प्राप्त हुआ। हमने अपने 5 साल में हम बीच में कोरोना का काल लग गया 2 साल, हमने 3 साल हमको समय मिला। 3 साल में पहला काम हमारा है कि जनता दरबार 6 बजे से लेकर के हमने 10:30-11 बजे तक जनता दरबार किया। प्रतिदिन एक दिन मैंने रुका नहीं, जनता का प्रश्न का जवाब दिया, जनता के बारे में बात सोचा, जनता का कार्य किया। जनता के बारे में सबसे पहला काम हमारा है
विधवा और वृद्धा विकलांग का कार्य कराना, ये प्रथम प्राथमिकता हमारी है, जनता का सेवा करना। उसके बाद जनता भाई जनता का कार्य कोई काम हमारा काम हमारे वजह से रुका ना हो। हमने वहाँ पर बैठ करके जनता का कार्य को देखा और बड़े ऑफिसरों को अधिकारियों से मैंने कहा कि जनता को कोई किसी को परेशानी ना होने पावे, चाहे हमारा यू हो चाहे हमारा बड़े बाबू हो, हमने जिसका काम हो चाहे राशन कार्ड का हो चाहे विधवा हो, कोई कार्य हो चाहे नारी नारी को हो चाहे सफाई को। इसके बाद हमारे आदमी लगे हर वार्डों में, मैंने वहां पर जा करके ढाई ढाई बजे तक जनता के सेवा में नाली और नर्दा और साफ कराया, पूरा साफ कराया। एक बार नहीं, 13 वार्ड में हमारी यहाँ की जनता गवाह है। यहाँ तक आपको मैं विश्वास दिला रहा हूँ, एक दिन मैंने जनता डीएम को मीटिंग में जा रहा था तो यहाँ के बगल वार्ड नंबर 5 बाबा यादव ने आया कि पिताजी हमारे सामने दुकान में एक सुअर ससक गई है, हमने अपने बड़े बाबू को सहेजा कि जा करके में पानी बरस रहा है, अभी पानी निकल जाए तो वह सुअर को अपने मिस्त्रों से निकलवा दीजिए। मैंने डीएम की मीटिंग से 9:30 बजे रात आया तो कई बारे में वह लड़का पानी बरस रहा था, वो लड़का भी ना पिताजी सुअर नहीं हटी। हम कहा ठीक है, वो कार हमने अपने मेस्टरों से बोला, मेस्टर उस समय कोई कार्य कर रहे थे, मेस्टर नहीं हुए आए। बड़े बाबू से मैंने कहा कि ऐसा है आपने गलती किया है, मैं कपड़ा निकाल रहा हूँ, मेरे साथ चलिए और हमारे साथ चलिए सुतरी लीजिए। मैं 11:30 बजे रात मैंने वो जनता का कार्य को करने के लिए काम के बारे में जो जनता का काम था हमने वो जनता का काम अपने 2.5 साल के कार्यकाल में हमने किया। पहला काम मैंने शुरू किया जब यहाँ लॉकडाउन लगा तो हमने अपने कर्मचारियों को लेकर के पूरे क्षेत्र में दवा का छिड़काव का ठीक है। जवाहरलाल जी, यहाँ की जनता गवाह है। हर इंसान का राजनीति में एक मार्गदर्शक होता है, आपका कौन है? हमारे दर्शक मार्गदर्शक हमारे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के डॉक्टर देवराज और डॉक्टर बीके सिंह है। यहाँ के डॉक्टर त्रिपाठी थे हमारे समय यहाँ पर नहीं है, लेकिन हम भी उनके यहाँ हमेशा आना जाना लगा रहता है, करते आते हैं। जवाहरलाल जी, आपकी राजनीति के सफर में कौन कौन सी चुनौतियां आई? कर लिया चुनौतियां तो हमारे पास हमेशा काम किया, ईमानदारी से जनता का सेवा किया। कानून व्यवस्था और विकास था, हम उस मुद्दे पर चल लड़ाई ले रहे हैं। हमारे यहाँ टाउन एरिया में राशन कार्ड जो सरकार ने शुल्क दे रही है गल्ला, हमने राशन कार्ड अंतिम दिन बनवाया, अंतिम दिन गरीबों का सेवा हो रहा है, यहाँ पर गल्ला पा रहे हैं। जवाहरलाल जी, आप भारतीय जनता पार्टी से नाता रखते हैं, कैसा अनुभव रहा अभी तक आपका? हेलो, आपको आवाज आ रही मेरी? जवाहरलाल जी, आप भारतीय जनता पार्टी से नाता रखते हैं, कैसा अनुभव रहा आपका? जिसमें वो 36 सरकार जो हमारी दिया है वो सरकार जनता के बीच में है, वो जनता हमारे हम के बीच में जाते हैं, देखते हैं हमारे कार्यकर्ता हमारे संगठन के लोग जाते हैं तो घबरा जाते हैं, क्या चेयरमैन कैसा काम किया। जवाहरलाल जी, आप हंडिया नगर पंचायत से चेयरमैन पद के प्रबल दावेदार हैं, अभी वार्ड में कौन सी समस्या देखते हैं आप? मेरी
आवाज जवाहरलाल जायसवाल जी तक नहीं पहुंच रही। आपको बता दें कि निकाय चुनाव की सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। कुछ ही वक्त रह गया है निकाय चुनाव में और सभी पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। हर एक प्रत्याशी जनता के बीच में अपने एजेंडे के साथ जा रहे हैं और तमाम मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं, जनता तक पहुंच रहे हैं। बता दें निकाय चुनाव में महज कुछ ही वक्त रह गया है, जिसको देखते हुए सभी पार्टी सभी दल तैयारियों में जुट गए हैं। बता दें कि पहले चरण का चुनाव 4 मई को होगा, जिसको देखते हुए सभी प्रत्याशी प्रबल दावेदारी कर रहे हैं और अपनी वार्ड की जनता के बीच जा रहे हैं। वहीं आज नगर संग्राम में जवाहरलाल जायसवाल से हम बातचीत कर रहे हैं और बता दें कि निकाय चुनाव होने में महज कुछ ही वक्त रह गया है, जिसको देखते हुए सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। ऐसे कोई भी दल, ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जो बढ़ चढ़कर हिस्सा ना ले रही हो। सभी पार्टी के प्रत्याशी तैयारियों में जुटे हुए हैं। स्थानीय निकाय चुनाव की सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं, जिसको देखते हुए सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। महज कुछ ही वक्त रह गया है निकाय चुनाव होने में, जिसको देखते हुए सभी पार्टियां सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। बता दें निकाय चुनाव की सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं, सभी पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। ऐसे कोई भी दल, कोई भी पार्टी नहीं है जो पीछे रहे, सब तैयारियों में जुटी हुई हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं और इन सभी में 2 चरणों में निकाय चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। पहले चरण में 37 जिले और दूसरे चरण में 38 जिलों में मतदान होगा। नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। प्रदेश में 2 चरणों में निकाय चुनाव कराए जाएंगे। 18 में से 9 मंडलों में 4 मई को पहले चरण में तथा बाकी 9 मंडलों में दूसरे चरण में 11 मई को मतदान होगा। इस तरह सूबे के कुल 75 जिलों में मतगणना 13 मई को एक साथ होगी। राज्य निर्वाचन आयोग मनोज कुमार ने चुनाव कार्यक्रम जारी करते हुए नगरीय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी है। बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग मुख्यालय में चुनाव की घोषणा करते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया है कि यह चुनाव 760 निकायों में होगा, जिनमें 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायतों में 14,684 सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। बता दें पहले चरण के चुनाव के लिए जिला मजिस्ट्रेट की ओर से 10 मई को सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी। निर्वाचन अधिकारी की ओर से अधिसूचना 11 अप्रैल को ही जारी हो गई थी। बता दें उम्मीदवार 11-17 अप्रैल तक नामांकन पत्र खरीद कर दाखिल भी कर चुके हैं और 18 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच भी हो गई है। बता दें कि 20 अप्रैल को उम्मीदवार नामांकन वापस ले चुके हैं। 21 अप्रैल को उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि 4 मई को मतदान होगा। जिला मजिस्ट्रेट की ओर से 16 अप्रैल को सार्वजनिक सूचना जारी की गई है। निर्वाचन अधिकारी 17 अप्रैल को अधिसूचना जारी करने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का सिलसिला शुरू करेंगे। एक बार फिर से जवाहरलाल जायसवाल हमसे जुड़ चुके हैं। तो जवाहरलाल जी, आपसे मेरा सवाल है, हंडिया नगर पंचायत से चेयरमैन पद के प्रबल दावेदारी अभी आप कर रहे हैं, वार्ड में कौन सी समस्या देख रहे हैं? हमारे नगर पंचायत में कोई समस्या नहीं, एक समस्या गंभीर हमारे यहाँ है, वार्ड नंबर 1 और 2 का पानी का निकासी के लिए। वह पानी की निकासी के लिए हमने 13 रोज हमने अपना जैसे भी खुदवाया, कच्चा नाला खुदवा गया। हमारे यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, वो जो की वो कि उसको टेंडर भी करा दिए हैं, लेकिन 1 करोड़ के ऊपर है, वो मुख्यमंत्री का दस्तखत होता है, जो फाइल लखनऊ गई है और उसके बाद फाइल अगर वह कार्य नहीं हुआ तो टेंडर हो गया है। अशोक चौरसिया पाए है, श्याम बहादुर पाए है, लेकिन
लेकिन वो अकाल अभी मुख्यमंत्री जी की इच्छा है, अगर उस फाइल में दस्तखत नहीं हुई तो वह हम का इस समय आप हमारे नगर पंचायत हड़िया के आशीर्वाद से डॉक्टर बी के सिंह के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से हमारा टाउन एरिया आदर्श नगर पंचायत घोषित हुआ है। उसके बाद अब पैसा भी आ गया है और उसके बाद हमारा पहला काम जो है हमारी निकासी में काम कराने की जिम्मेदारी हमारी है। जवाहरलाल जी, पार्टी ने आपको दोबारा मौका दिया है, जनता के बीच आप किस एजेंडे के साथ जा रहे हैं? हेलो, आपका आवाज आ रही मेरी? सर पार्टी ने आपको दोबारा मौका दिया है, जनता के बीच आप किस एजेंडे के साथ जा रहे हैं? मान जनता का कार्य किया, जो सेवा किया जनता का, उसके लिए विकास के लिए हमने विकास कराने के लिए वो जा रहे हैं। जो हमारे पास विकास अधूरा रह गया है वो हम पूरा कराने के लिए तैयार है और कराएंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर वार्ड में क्या कुछ समस्याएं हैं और अगर आपको जनता मौका देती है तो क्या कुछ करेंगे आप? वो हमने हमारी जिंदगी का संकल्प, मैंने राजनीति के संकल्प, हमने संकल्प लिया हूँ। जब भारतीय जनता पार्टी ने हमको अपना दोबारा प्रत्याशी बनाया, मैंने संकल्प लिया हूँ कि जो हम अधूरा काम है उसको पूरा कराने के लिए जिम्मेदारी हम करेंगे। सर ऐसे कौन से बड़े 5 काम है जिसको आप अगर जनता मौका देती है फिर से कराना चाहेंगे? पहला काम तो हमने पानी निकासी के लिए अभी बताया है, जो रोडें हमारी हैं उसको पूरा कराने के लिए हमारी जिम्मेदारी है। आदर्श नगर पंचायत हमारा हड़िया हो गया, अब तो हफ्ते कहने का बहाना करने का है नहीं, जो पैसा अब खाते में आ गया है, पैसा कोई इंतजार नहीं करना है। जब से जनता आशीर्वाद दिया जब देगी उससे के बाद हमने अपना काम शुरू कर देंगे। जवाहरलाल जी, आपको जनता का नेता कहा जाता है, इसका कारण क्या है? नेता का काम यह है, नेता इसलिए हमको कहते हैं नेता, कि शुरुआत में कि हमने पढ़ाई पढ़ रहा था, शुरू में हमने मनीषा था, नेता शुरू में हमारा नाम है, जब नेता नेता कहते थे। और नेता वाला काम, नेता का काम यह है कि किसी के साथ न्याय कराओ, उनका काम कराओ गरीबों का, उसी को नेता कहा जाता है। तो हमारा नेता वही है, तो हमारा काम जनता के काम कर, वही नेता। आज की राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए कैसे विकास की गाथा लिखेंगे आप? बताया तो हमने कि राजनीति हमने लाश से नहीं, सन जब हमने जमीन से, जब गांव सभा से उभरे हैं, गांव सभा से राजनीति शुरू किए हैं, उसके बारे में, गांव सभा के बारे में हमारे यहाँ जो विधायक और प्रतिनिधि विधान मंत्री थे सबसे उनका मैंने प्रश्न था, सेवा जनता के किया हूँ, उसी के बारे में हमने नगर पंचायत टाउन एरिया का इलेक्शन लड़ना शुरू कर दिया। उसमें हमको अपना भाव, अपना व्यवहार हमारे जान करके जनता ने दे रही है, दिया है, इस पर हमारा मनोबल आगे बढ़ा, इसलिए भाव हमने जनता का सेवा करने के लिए तैयार हूँ, संकल्पित हूँ। जवाहरलाल जी, आप भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, अपने कॉम्पिटिशन में किसे देख रहे हैं, अपना प्रतिद्वंदी किसे मान रहे हैं? बालबंदी तो बहुत है, लेकिन जमीन खसक गई है हमारे टाउन एरिया में, सब कुछ पार्टी की जमीनें खसक गई है और परेशान है, तो हम हमारा बालबंदी तो कोई नहीं, हम तो भगवान और भारतीय जनता पार्टी के निर्भर, जो हमारे पार्टी प्रत्याशी है, हमारे स्तर पर कोई जात की भात की भावना नहीं है कि हम उस जात के हैं, ठाकुर हैं, पंडित हैं, लाला हैं, ठीक है। हमारे यहाँ तो जवाहरलाल जायसवाल को जो बड़े सेवा कर रहा हूँ, आपको बताया हूँ ना, अभी हमने अपने हाथ से 11 बजे रात सुअर का कार्य मैंने फेंक दिया। अब इससे ज्यादा क्या चाहते हैं आप कि प्रबंधी हमारा प्रबंधी कोई नहीं, चाहे हमारा यादव हो, चाहे हमारा मुसलमान हो, चाहे हरिजन हो, हमारे लिए एक बराबर। और वो हमारे अंदर में जाकर के पत्रकार अपने बंधु देख रहे हैं कि हर जात हमारे अंदर चुके हैं, हर जात बिरादरी हमारे, कोई जात की भावना नहीं, हम अपने बगल में चाहे पंडित हो, चाहे हमारा मुसलमान हो, चाहे हरिजन है, अपने साथ बैठा करके उसकी समस्या सुनता हूँ और पढ़ता हूँ। जवाहरलाल जी, मीडिया एक सशक्त माध्यम है अपनी बात कहने का, प्राइम टीवी के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? माध्यम से अपनी ईमानदारी को जनता के बीच में जाकर के, जनता हम तो पत्रकार बंधुओं से कहते हैं कि हमारी जनता के बीच में चलकर अपना समस्या देखो, हमारे बारे में जनता क्या कह रही है,
जनता खुदे जा करके कल कई पत्रकार गए, परसों भी गए और आशीष केसरवानी से लेने लगे समाचार, वो पद यात्रा कर रहे थे, कल भी हम पद यात्रा कर रहे थे। हमका हमसे मत पूछो, जनता से पूछो, हमको बताएंगे अपनी बहादुरी, लेकिन जनता से पूछो। जनता ने भी बताना शुरू किया, ऐसा ऐसा कैंडिडेट हमारा कोई नहीं जवाहरलाल जहाँ सवाल के सामने कि ऐसा जो कार्य कर रहे हैं रातों दिन। हमने आपसे मतलब वादा कर रहा बताया कि हमने 6 बजे से 10 बजे जनता दरबार में, फिर बाद आधा घंटा ऑफिस, नहीं तो दिन भर हमने नगर पंचायत टाउन एरिया में चाहिए शादी हुआ तो हम भी कर ली, हो हुआ कोई कार हुआ अपने अपने स्तर पर चूना झाड़ू लेकर के और ट्रैक्टर लेकर भी साथ साथ में लेकर के पीछे भी कोई कार हुआ जनता के बीच में। हमने 5 साल अपनी सरकार बिताया। तो जवाहरलाल जायसवाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो नगर संग्राम में आज मुलाकात हुई जवाहरलाल जायसवाल से, जो हंडिया नगर पंचायत से चेयरमैन पद के प्रबल दावेदार हैं। नगर संग्राम में अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।